हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ देवयानी चौबे। आईपीएल 2020 को लेकर अब तेजी से खबरें सामने आ रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि आईपीएल 13 को लेकर अभी तक जो स्थिति थी अब वह कुछ ही दिन की रह गई है। अभी तक जो खबरें सामने आ रही थी उसमें कहा गया था कि इस बार आईपीएल यूएई में होगा। साथ ही पता तो यह भी चल रहा था कि बीसीसीआई ने इसकी तारीख भी तय कर दी है। खबरों में कहा गया था कि आईपीएल का पहला मैच 26 सितंबर से खेला जाएगा, इसके बाद फाइनल मैच 4 नवंबर को हो सकता है। हालांकि अभी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन समझा जाता है कि अगस्त से पहले सप्ताह में शेड्यूल बाकायदा जारी किया जाएगा। आईपीएल 13 इस बार यूएई में होगा। इतना ही नहीं, करीब करीब तय होता है नज़र आ रहा है कि साथ ही इसकी तारीख भी लगभग तय कर ली गई है। लेकिन अभी तक आईसीसी ने T20 विश्व कप 2020 को लेकर स्थिति साफ नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि 8 से 10 दिन के अंदर ही आईसीसी T20 विश्व कप को लेकर आखिरी फैसला ले सकती है। और पूरी संभावना इसी पर है कि T20 विश्व कप या तो रद्द होगा या फिर इसे टाला जाएगा। T20 विश्व कप इस साल के आखिर में अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना है। हालांकि बीसीसीआई और क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है कि एशिया कप रद्द हो चुका है जो सितंबर में होना था, इसलिए यह विंडो तो बीसीसीआई को मिल गई है। लेकिन अगर T20 विश्व कप भी टलता है फिर बीसीसीआई को काफ़ी लंबा वक्त मिल जाएगा। आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।